खंड खंड में बटी हुई, और मुझे नहीं लगता है कि 22 वर्षों में इतने टुकड़ों में कांग्रेस कभी थी, क्योंकि जिस पार्टी के वर्कर को अपना प्रदेश अध्यक्ष बोलने में लज्जा आती हो वो है ही नहीं उस लायक जो सबको समेट सकता है। कौन विधायक उनकी बात सुनते हैं, कौन कार्यकर्ता उनकी बात सुनता है, जिसको जो मन में आ रहा वो करता चला जा रहा है। कार्यकर्ताओं को आप देखिए, बहुत बड़ी बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ, आपको जैसे मैंने कहा कि यहाँ सरकार बनी, आप 99% कांग्रेस के कार्यकर्ता से पूछ लीजिए क्या उनको सरकार होने का एहसास है। एक एक वर्कर कहेगा नहीं है हमको एहसास। कहाँ से एहसास होगा, जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अपने लाभ के लिए परेशान रहेगा कि हमको राज्य मंत्री का दर्जा मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे परिवार को सुरक्षा मिल जाए, मुझे तनख्वाह मिल जाए, तो उस पार्टी के वर्कर का कौन रहनुमा होगा। जिस सोसाइटी का, जिस संस्थान का मालिक ही अगर अपने लिए राजनीति करे तो उनके साथ रहने वाले लोगों का कोई नहीं होगा। इसलिए पार्टी में मर्मरिंग है, आक्रोश है, अराजकता है, दुख है, और इस बात को समझना होगा हाईकमान को, वरना ऐसा ना हो जाए कि हुजूर आते आते बहुत देर कर। तो जब आप प्रदेश अध्यक्ष बने और आपको भी राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, और राज्य मंत्री के दर्जे में सरकार की सारी सुविधाएं आप ले रहे हैं, घर है आपके पास, गार्ड है आपके पास, गाड़ी है आपके पास, सरकार आपको तनख्वाह देती है, आप जो है आपको सेक्रेटरी की भी तनख्वाह सरकार देती है, तो आपको तुरंत प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था, अगर आप में नैतिकता होती, जो आपके अंदर में नहीं है। हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से, हाईकमान से गुजारिश करते हैं कि इमीडिएट जो है उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर एक ऐसे आदिवासी नेता को अध्यक्ष बनाया जाए जिनके सरपरस्ती में हम 2024 के चुनाव का मुकाबला कर सकें। दूसरी बात जो राजेश गुप्ता जी ने कहा अनुशासन के संदर्भ में, ये बहुत बड़ी बात है अनुशासन का। झारखंड की राजनीति में व्यक्तिगत प्रतिशोध की राजनीति की शुरुआत हो चुकी है, जो एक संदेश गलत है इस राज्य के लिए। शायद देश में कहीं प्रतिशोध की व्यक्तिगत राजनीति नहीं है, जो पिछले दिनों आपने भी देखा और देख रहे हैं। मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूँ कि पूरे झारखंड में आग लगा, पुतला दहन हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी पुतले दहन हुए, मारा पीटी गाली गलौज, 50 से अधिक लोगों को आपने स्पष्टीकरण पूछा, लेकिन कार्रवाई सिर्फ 4 लोगों पर। अभी कुछ लोगों ने संगम गार्डन में प्रदेश प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बोर्ड निगम को लेकर के अपनी बात को रखे और कहा कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। सभी जिलों में, वो जिले जहाँ जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं बोर्ड निगम को और दूसरे चीज़ों को लेकर के, उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कटिंग हमारे पास में मौजूद है। तो आपने उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, नंबर वन। नंबर दूसरा, राजेश गुप्ता जी ने कहा कि शमशेर आलम जी अनुशासन समिति के सदस्य हैं, जिनके हस्ताक्षर से हमें निलंबित किया गया है, हो सकता है आजीवन निष्कासन की भी प्रक्रिया सुनने में मिल रही है कई मीडिया के लोगों से कि अभी आप लोगों के ऊपर में और कार्रवाई होगी। जरूर करिए कार्रवाई, लेकिन अनुशासन का डंडा क्या सिर्फ 3 ही लोगों के लिए है? व्हाई नॉट शमशेर आलम जी? सुझाव देते रहते हैं, तभी तक ये सुझाव माना जाता है जब तक ये आपके भी माध्यम से अगर कोई सही तरीके से कोई बात रख रहा है तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि मेरे संदर्भ में कोई बात कही जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस दिन लगेगा कि पार्टी को नुकसान हो रहा है या ये बात अनुशासनहीनता के दायरे में आ रहा है, तो निश्चित रूप से सभी नियम कायदे कानून सबके लिए बराबर हैं। हम समझते हैं कि यहाँ कम से कम 2500 लोग ऐसे हैं जो बोर्ड निगम में बनने योग्य हैं, और मेरे जैसे भी 50 लोग हैं जो अध्यक्ष बनने के योग्य हैं। तो जैसे मेरे बनने पर लोगों ने थोड़ा धैर्य रखा है, उसी तरह 25 लोगों के बनने पे भी लोगों को धैर्य रखना चाहिए। आने वाला समय कांग्रेस का है, पूरे देश में कांग्रेस की सरकार होगी, पूरे देश में जो निगम बोर्ड बटेंगे वो कांग्रेस के लोगों के लिए होंगे। एक पद एक नेता की बात के लोग कह रहे हैं। बिल्कुल, एक पद एक नेता की बात हो रही है, इसीलिए तो कई लोगों को संगठन में जगह मिली है, कई लोगों को सरकार में जगह मिलेगी, वही तो करने में लगा हूँ। थोड़ा नए नए में दिक्कत आती है, निश्चित रूप से
जब सारी चीजें हो जाएगी तो लोगों को समझ में आएगा जो कहते हैं वही करते हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।